आप मानोगे मानो, लेकिन आपको एक दिन मानना पड़ेगा कि आज हिंदुस्तान में अगर माँ बाप कम उम्र में दुनिया छोड़ के जा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा रीजन उनकी औलाद भी है। हम अपने माँ बाप के हथियारे बन जाते हैं लेकिन हम देशभक्ति की बात करते हैं। आज 90% जो माँ बाप हार्ट अटैक या उनको बीमारियां होती है, ब्रेन हेमरेज होता है या कई 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 बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, अरे माँ को कैंसर तक हो जाता है, लेकिन वो सोचती है कोई बात नहीं यार, मेरी तो दुनिया कट गई, मेरी औलाद आगे जाए, मेरी बिटिया आगे पढ़े, मेरा बेटा आगे जाए। लेकिन वो माँ को जब पता चलता है कि उसका 14 साल का बेटा, उसकी 17 साल की बेटी, उसका 18 साल का बेटा अब दूसरी दुनिया की ओर जाने लग गया है, वो अपने रास्ते से भटक गया है, जो माँ 100 साल रह सकती थी वो 50 साल में दुनिया छोड़ के चली जाती है, जो माँ 80 साल रह सकती थी वो 40 साल में हमें छोड़ के चली जाती है, और हम स्वयं उस माँ के हथियारे बन जाते हैं लेकिन हमें पता तक नहीं चलता। तो मैं केवल निवेदन करना चाहता हूँ, जो माँ केवल 20 साल 40 साल के लिए है उसका सम्मान करना सीखिए, वरना कहते हैं तब पछतावा खोद क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर एक बार वो माँ लौट के चलेगी, अगर वो माँ घर छोड़ के चलेगी, वो माँ इस देश को, समाज को, इस पृथ्वी को छोड़ के चलेगी तो लाख दोस्त मिल जाएंगे, लाख प्रसन्न करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन माँ माँ करके पुकारते रहोगे वो माँ न लौट के आएगी, न वो जाने वाला पिता फिर मुड़ के देखेगा। तो इसलिए अगर सम्मान करना है, अगर जीना है, अगर इस देश से भारत माँ की रक्षा करनी है, अगर जननी जन्मभूमि की बात करनी है तो सबसे पहले अपने आप को देखिए, अपने आप को बदलने की चेष्टा रखिए।